बात आज की दूसरी बड़ी खबर की। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज तिहाड़ जेल भेज दिया गया। 10 मार्च को मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई है, जिसके लिए उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है। न्यायिक हिरासत में भेजने के दौरान मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से जेल में विपश्यना केंद्र भेजने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनका चश्मा, श्रीमद् भगवद गीता, नोटबुक और पेन उन्हें रखने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने ये सभी मांगे मान ली उनकी। ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि सीबीआई मनीष सिसोदिया को, सीबीआई का ये कहना था कि जो इस मामले के विटनेसेस हैं उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, इसीलिए दिल्ली लिकर स्कैम में अभी पड़ताल सही मायने में उनको बढ़ाने में कुछ समस्या हो रही है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 20 मार्च तक मनीष सिसोदिया को भेजा गया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का दावा है कि सीबीआई बीजेपी के एक विभाग की तरह काम कर रही है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ मीडिया में सेलेक्टिव लीक हो रही है डिटेल्स। सीबीआई बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, ये कहना है आम आदमी पार्टी और उनसे जुड़े लोगों का और एडवोकेट, उनके एडवोकेट का। सुनिए क्या 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 बातें निकल कर आई अदालत में। आज कोर्ट के अंदर एक अजीब सी स्थिति, क्योंकि सीबीआई के वकील कह रहे थे कि जी जो हम जो कर रहे हैं वो आपे कहने पे कर रहे हैं और बदनामी हमारी हो रही है। बड़ा हास्यास्पद रहा, लेकिन सीबीआई को इस बात का एहसास हो गया है कि किस प्रकार से वो राजनीतिक दबाव में गलत काम कर रहे हैं। आज खुल्लम खुल्ला कोर्ट के अंदर सीबीआई के वकील ने कहा कि जी जो कुछ भी हमने 5 दिन का रिमांड पे भेजा, 2 दिन का रिमांड पे भेजा, कोर्ट कहने से भेजा, लेकिन बदनामी हमारी हो रही है, लोग कह रहे हैं कि सीबीआई गलत कर रही है। मनीष सिसोदिया जी की होली तिहाड़ में मनेगी और ये दिल्ली के साथ जो लूट की गई, दिल्ली को जो धोखा दिया गया, उसके इंसाफ की प्रक्रिया शुरू हुई है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को अब इस कानूनी कार्रवाई को गंभीरता से लेना चाहिए। जिस प्रकार का बचपना वो कर रहे हैं तमाशा करके, सड़कों पे हंगामा करके, वो बंद करके कानून को अपना काम करने देना चाहिए। और जो लोग अभी जेल से बाहर हैं आम आदमी पार्टी के, वो दिल्ली के विकास के ऊपर फोकस करें, पश्चाताप करें अपने पापों का, इसी में शायद कहीं ईश्वर उन्हें माफ करे। तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये जो पूरा स्कैम है, जांच के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक किंगपिन तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वादे कई किए पूरे नहीं किए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सीबीआई बीजेपी के एक्सटेंशन के रूप में काम कर रही है। और इस बीच बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया को अब सीबीआई की टीम तिहाड़ सेंट्रल जेल लेकर गई है। मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में जेल नंबर 1 में रखा जाएगा। यहीं पर विपश्यना सेंटर है, लेकिन इसी जेल के जेल नंबर 7 में सत्येंद्र जैन भी है। यानी दोनों ही जेलों के बीच, जेल नंबर 1 और जेल नंबर 7 के बीच लगभग आधे किलोमीटर की, 500 मीटर की दूरी है। जेल नंबर 1 में मनीष सिसोदिया 20 मार्च तक रहेंगे। होली उनकी, जैसा कपिल मिश्रा बता रहे थे, होली उनकी जेल में होगी। 10 मार्च को बेल की उनकी अर्जी आएगी, जैसा सोमनाथ भारती कह रहे थे। उनका यह दावा है कि सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है मनीष सिसोदिया के खिलाफ।